नमस्कार। ओएलआई के इंग्लिश के कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको अंग्रेजी एक नए और अनोखे तरीके में पढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्स के अंत तक आप अंग्रेजी अच्छे से बोल और लिख पाएंगे। इस कोर्स में हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको अंग्रेजी की थोड़ी बहुत जानकारी तो है, जैसे अंग्रेजी के अक्षर ABC वगैरह या अंग्रेजी के अंक 1 2 3 वगैरह। हम मान रहे हैं कि यह तो आपको ज्ञात होंगे। यह कोर्स हमने किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं बनाया, यानी आपकी उम्र जो भी हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में वह सारी जानकारी है जो आपको इस कोर्स में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। तो पहली बात, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, यानी अंग्रेजी मुश्किल नहीं है। मेरी मानो तो अंग्रेजी सबसे आसान भाषाओं में से एक है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में कुछ कठिनाइयां होगी, तो आपको अपने विचार बदलने चाहिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई भी नई भाषा सीखना खाना पकाने जैसा है। बताता हूं कैसे। तो खाना पकाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कुछ सब्जियां या सामग्री, और उन सब्जियों को आपस में मिलाने का एक तरीका जिसे हम अंग्रेजी में रेसिपी कहते हैं। तो अगर आपके पास सब्जियां है, सामग्री है और आपके पास रेसिपी है, तो आप अच्छे से खाना बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके पास कुछ शब्द है और उन शब्द को एक वाक्य में कैसे जोड़ना है, उसके नियम आपको पता है जिसे हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं, तो आप एक नई भाषा भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो दूसरी बात, यू हैव द एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यानी आपके पास एक नई भाषा सीखने की क्षमता है। याद कीजिए कि बचपन में हम सब अपनी मातृभाषा सीखे हैं बिना किसी शिक्षक की मदद लिए। उस समय यह भाषा हमारे लिए एक नई भाषा थी। तो उस समय हमारे पास ऐसी कौन सी खूबियां थी कि बिना किसी शिक्षक की मदद लिए हम एक नई भाषा सीख गए? मुझे लगता है हमारे पास ये 3 खूबियां थी जो मैं अभी आपके सामने दर्शाने वाला हूं, जिसकी मदद से हमें एक नई भाषा सीखने में मदद मिलती है। तो पहली खूबी, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। याद कीजिए कि बचपन में हम काफी जिज्ञासु हुआ करते थे। हमें नई नई चीजें जानने की उत्सुकता रहती थी। पेड़ कैसे बड़ा होता है, मछलियां कैसे तैरती है, पंछी कैसे उड़ते हैं, हम सवालों से भरे रहते थे। और यही जिज्ञासा कोई भी नई चीज सीखने में हमारी काफी मदद करती है। दूसरी खूबी, आसपास की चीजों को ध्यान से देखना। याद कीजिए कि हम अपनी मातृभाषा भी आसपास के लोगों को देख के ही सीखे हैं। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिले, जैसे कोई इंग्लिश बुक पढ़िए वगैरह वगैरह। और तीसरी खूबी, बिना सोचे समझे सवाल करना। बचपन में हम कभी सवाल करने से पहले सोचते थे क्या कि ये सवाल करना ठीक होगा कि नहीं, ये सवाल करने पे लोग क्या सोचेंगे? नहीं ना, हम बिना सोचे समझे सवाल कर लेते थे और इसी वजह से हम नई नई चीजें सीख पाते थे। तो अगर ये आप 3 खूबियां अपना ले तो आपका अंग्रेजी सीखने का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब तीसरी बात, यू हैव टू वर्क हार्ड, यानी आपको मेहनत करनी होगी। अब मेहनत कैसे करनी है वो आपको कोर्स में आगे पता चल जाएगा। और चौथी बात, बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा पर आपको गर्व होना चाहिए। हम अंग्रेजी इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आज के दौर में वह काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंग्रेजी सीखने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, और यह आवश्यक है कि आप इस चीज को याद रखें। तो हाउ शुड यू यूज दीज वीडियोस, यानी आपको यह वीडियो का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो पहली बात, वॉच ओनली 1 वीडियो पर डे, यानी एक दिन में एक ही वीडियो देखें। आप एक से ज्यादा वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन में आप बहुत ज्यादा सीख लेंगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीजें भूल जाए या जो चीजें आपने सीखी है उनका सही से उपयोग ना कर पाए। तो हम तो चाहेंगे कि आप एक दिन में एक ही वीडियो देखें।
दूसरी बात, use the words and sentences learnt each day in your conversations. यानी आप जो भी नए शब्द और वाक्य सीखे उन्हें अपनी बातचीत में उपयोग में लाए। मैं चाहूंगा कि आप एक सेंटेंस बैंक और वर्ड बैंक बनाए। वर्ड बैंक में आप रोज जो नए शब्द सीखे उनको अपने अर्थ के साथ लिखिए, और सेंटेंस बैंक में रोज जो आप नए वाक्य सीखते हैं उनको अपने अर्थ के साथ लिखिए। आप जितने ज्यादा शब्द और वाक्य सीखेंगे उतनी जल्दी आप अंग्रेजी में माहिर हो जाएंगे। और तीसरी बात, मेक मिस्टेक्स यानी गलतियां करें। अब मुझे गलत मत समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि गलती करने से घबराइए मत। यहां लिखा है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी गलतियां इस बात का सबूत है कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी चीज में आप शुरुआत में तो गलतियां करेंगे, तो आप घबराइए मत और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। तो अब ये वीडियो का प्रारूप कैसा होगा, यानी फॉर्मेट कैसा होगा? तो वीडियो के पहले 70 से 80% में हम कोई भी एक विषय पढ़ाएंगे, और आखिरी 20 से 30% में हम कुछ विविध बातें करेंगे जो आपको रोज की बातचीत में काम आएगी। और कभी-कभी वीडियो के अंत में एक वैकल्पिक परीक्षा होगी, यानी ऑप्शनल टेस्ट। इसका मतलब आपको ये एग्जाम देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यह एग्जाम दें ताकि आपको पता चले कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है। तो आज के लेक्चर में हमने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन चलिए कुछ विविध बातें कर लेते हैं जिससे आपको बातचीत में थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो आज हम देखेंगे कुछ आम सवाल यानी कॉमन क्वेश्चंस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में पूछते रहते हैं। तो पहला सवाल है व्हाई, यानी क्यों। तो उसके उदाहरण, व्हाई इज द स्काई ब्लू, यानी आकाश क्यों नीला है। यहाँ पे स्काई यानी आकाश और ब्लू यानी नीला। तो अपनी वर्ड बैंक निकालिए और ये सब शब्द लिखते जाइए। वैसे ही व्हाई इज द ग्रास ग्रीन, यहाँ पे ग्रास यानी घास और ग्रीन यानी हरा। तो वाई के उपयोग के दो उदाहरण तो मैंने दिए, अब मैं आपको एक मजेदार चित्र दिखाता हूं। तो यह एक मजेदार चित्र है जिसमें लिखा है क्वेश्चन एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज बिना सवाल किए मत मान लो, हर चीज पे सवाल करो और जब आपको सही जवाब मिले तो ही उस चीज को मानो। तो किसी ने तो इसी पे सवाल कर दिया कि मैं क्यों हर चीज पे सवाल करूं, तो उसने लिखा वाई। तो अब आपको वाई के उपयोग की जानकारी तो मिल गई है। चलो अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है व्हाट यानी क्या। तो उसके उदाहरण है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, यानी सेब की कीमत क्या है। यहाँ एप्पल यानी सेब और प्राइस यानी कीमत। वैसे ही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसेलेनियस, यानी मिसेलिनियस का अर्थ क्या है। याद कीजिए, जब मैंने बोला था कि अब हम कुछ विविध बातें करेंगे तभी स्क्रीन पे लिखा था मिसेलिनियस, तो आपको सवाल आया होगा कि मिसेलिनियस का अर्थ क्या है। तो अब आपको पता चल गया कि ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न, हाउ यानी कैसे। इसके उदाहरण, हाउ इज पिज्जा मेड, यानी ये पिज्जा कैसे बनता है। वैसे ही हाउ डस टीवी वर्क, यानी टीवी कैसे काम करता है। तो चौथा प्रश्न है व्हेन यानी कब। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, यानी ट्रेन कब आएगी। अब इसमें अराइव यानी आना। वैसे ही व्हेन विल द रेन स्टॉप, यानी बारिश कब रुकेगी। यहाँ पे रेन यानी बारिश और स्टॉप यानी रुकना। व्हेन विल आई लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश कब सीखूंगा। अब इसका जवाब आप खुद ही दे देंगे। अब पांचवा प्रश्न, वेयर यानी कहाँ। वेयर इज एफिल टावर, यानी एफिल टावर कहाँ है। ये जो आपको बाजू में चित्र में दिख रहा है वो एफिल टावर है। तो आपको अगर पूछना है वेयर इज एफिल टावर और एफिल टावर कहाँ है, तो आप पूछेंगे वेयर इज एफिल टावर। वैसे ही आपको किसी को पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं,
तो आप पूछेंगे वेयर डू यू स्टे, यहाँ पे स्टे यानी रहना। और आखिरी प्रश्न हु यानी कौन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे प्राइम यानी प्रधान और मिनिस्टर यानी मंत्री, जैसे कि हु इज सीवी रमन यानी सीवी रमन कौन है। आपको अगर पता नहीं तो पता कीजिए सीवी रमन कौन है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।